सिंध काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। बिलावल भुट्टो ने कारकर्दगी ना दिखाने वाले वुजरा का नोटिस ले लिया। कारकर्दगी ना दिखाने वाले वुजरा को घर भेजेंगे। बिलावल भुट्टो की वजीर आला सिंध को हिदायत। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आला सिंध को काबीना में नए चेहरे शामिल करने की हिदायत। सईद गनी से महकमा बल्दियात वापस लेकर नासिर हुसैन शाह को देने का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम आगा कीजिए। जी बिल्कुल, देखें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कारकर्दगी ना दिखाने वाले वज़रा का नोटिस ले लिया है और वज़ीर आला सिंध को बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये हिदायत की गई है कि जो वज़रा काम नहीं कर रहे उनको जो है वो घर भेजकर काबीना में नए चेहरे शामिल किया जाए। सिंध काबीना में जो है वो रद्दोबदल के साथ साथ इजाफे का भी इम्कान है और वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की थी जिस पर ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक्शन इनिशिएट किया है। ज़राए का ये कहना है कि नए चेहरों को तर्जमान मुशीर मामिन खुसूसी बनाने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध ने आज जो है वो स्पेयर असेंबली में नौजवान पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ये कभी इम्कान है कि ज़राए के मुताबिक वज़ीर मेहनत शाहिद फहीम से महकमा वापस लिया जाएगा और सलीम आपका शुक्रिया।